please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बच्ची जल्द से जल्द बचे, 4-5 साल गया और ये इसमें सरकार की गलती, क्योंकि सरकार की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की, जिसका कारण है कि यह हादसा होते रहता है। केवल मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार में, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का। तो आप मांगे बाबा से, आपने तो हम बाबा से कामना करते हैं कि बच्ची बचे और हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि बचे बच्ची। मनीष जरा ये बताइए कि क्या तेज प्रताप के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव होगा? तेज प्रताप मुंगेर जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, देवघर से मुंगेर की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है, निजी वाहन से गए हैं, वहाँ जा सकते हैं तेज प्रताप। अपना सावन का जो महीना चल रहा है, इस पर्व को सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर के इस पर्व को मनाते हैं, हम मनाने का काम करते हैं। दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या आप मुंगेर जाना चाहेंगे अपनी यात्रा के दौरान बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि रास्ते में ही पड़ेगा लौटते समय। हाँ, अगर रास्ते में मेरा रूट देखते हैं किधर से, अगर उधर से बना है तो जाएंगे। बिल्कुल देखने के लिए आपने कामना किया। हम चाहेंगे कि आपका न्यूज 18 भी जाके उस बच्ची को थोड़ा सहयोग करे, मदद करे। ये लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं। हाँ, लाइव दिखाइए उसको, उसका आपका जो न्यूज 18 के जो मेन मालिक हैं वो बच्ची को बचाएं, उनसे भी बात कराइए, लाइनअप कराइए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष हमारे तरफ से प्रयास जारी है, तो प्रताप जी को आश्वस्त कर दीजिए कि हमारे तरफ से प्रयास जारी है, हम भी बिल्कुल प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि रूट के मुताबिक नहीं, तेज प्रताप जाने जाते हैं रूट से अलग चलने के लिए, तो हम चाहेंगे कि जब निजी वाहन है तो तेज प्रताप वहां जरूर जाएं, और एक बार आपकी गुजारिश जरूर हम करेंगे। चलिए, तो सभी हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी नजर बनाए हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंगेर की तस्वीरें जहां पर बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के दौरान देवघर पहुंचे हैं तेज प्रताप, और तेज प्रताप ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बच्ची बच जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कामना है हमारी कि बच्ची जल्द से जल्द बचे। लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या तेज प्रताप, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं, क्या वहाँ पर जाएंगे देखने के लिए किस तरह के कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और किस तरीके से बच्ची को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल आपको बताएं, तस्वीरें हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं जहाँ पर SDRF की टीम लगातार वहाँ पर बच्ची को बचाने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। 19 घंटे हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना को वहां पर बुलाया गया है, बोरवेल में फंसी है बच्ची। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स भी, क्योंकि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम वहां पर मौजूद है, वो भी निगरानी कर रहे हैं और डॉक्टर्स ये भी देख रहे हैं कि बच्ची की हालत कैसी है, बातचीत की जा रही है बच्ची से। साथ ही साथ टीवीज भी बगल में लगाए गए हैं और उसी के जरिए बच्ची तक बातचीत भी हो रही है, और बच्ची ने कहा है कि फिलहाल वो ठीक है। डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि बच्ची की हालत अभी ठीक है, लेकिन SDRF की टीम और सेना भी मौके पर मौजूद है। 160 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है, जिसको निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बारिश का मौसम है, और वहीं आपको बताएं कि जिस जगह पर ये बच्ची फंसी है, जिस बोरवेल में ये बच्ची गिरी है, उसके ठीक बगल से मिट्टी की खुदाई हो रही है, बराबर से एक और गड्ढा खोदा जाएगा जिसके जरिए उस बच्ची को निकालने की कोशिश होगी। मेरी बेटी को आवाज दे रही है अंदर से, वो निकलना चाहती है, मेरी बेटी को निकाल दीजिए, सही सलामत निकाल दीजिए आप लोग बस। कंडीशंस में बच्चे को बचाने के लिए जो आइडियल जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाता है, फिर हम हॉरिजॉन्टली जाके बच्चे तक पहुंचते हैं। तो इसमें जो हमारी वर्टिकल डिगिंग है वो ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन है, 5-6 फीट और बचा है, हमने ऑलरेडी 35 फीट तक कर लिया है। बच्चे की कंडीशन अभी अच्छी है, बच्चा पहले स्लिप डाउन हो रहा था, बट अब उसको नीचे से हमने रॉड डाल के एक सपोर्ट दिया है, बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है, बच्चा जवाब दे रहा है, बात कर रहा है, बच्चे की स्थिति ठीक है। अभी हमारा काम ये है कि इसमें कुछ समय लगेगा हमें वर्टिकल डिगिंग करने में, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास NDRF और SDRF की टीम है, SDRF के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पहले भी ऐसे ऑपरेशन कर रखे हैं, आर्मी को हमने रिक्विजिशन किया है और आर्मी की टीम ऑन द वे।
सेना के जवान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं क्या पहले भी कभी ऐसे ऑपरेशनों को उन्होंने हैंडल किया है, तो क्या 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 कैसा ये हैंडल ऑपरेशन जो हैंडल होता है उसमें क्या क्या आवश्यकताएँ होती है ताकि बच्ची को निकाला जा सके? अभी करेंगे, सबको कर रहे हैं, अभी हो रहा है, अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी हो रहा है, इसका कोशिश करेंगे कि बच्ची बच जाए, इतनी है हमारी, हो रहा अभी। SDRF और सेना के जवान लगातार वहां पर डटे हुए हैं। आपको बताएं कि फिलहाल बच्ची को अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है ताकि उसकी सेहत थोड़ी ठीक रहे। डॉक्टर्स की निगरानी में, डॉक्टर्स ने कहा है कि जो अभी तक अंदर से बातचीत करके पता चला है बच्ची से, उसमें यही है कि बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आपको बताएं कि अब बच्ची को निकालने का काम शुरू होगा, जिसमें SDRF की टीम और सेना की टीम लगातार जुटी हुई है। इसमें जिस जगह पर, जिस बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है, उसके ठीक बगल में एक वर्टिकल डिगिंग हुई, यानी वर्टिकली उतना ही गहरा गड्ढा खोदा जाएगा, उससे थोड़ा और गहरा गड्ढा खोदा जाएगा और फिर उसके बाद वहां से हॉरिजॉन्टल डिगिंग की जाएगी जिसके जरिए बच्ची तक पहुंचा जाएगा और फिर उसको निकाला जाएगा। ये ठीक वैसी प्रक्रिया, अगर आपको याद होगा कि बहुत साल पहले एक प्रिंस नाम का बच्चा था जो कि फंस गया था बोरवेल में, उसको ठीक इसी तरीके से निकाला गया था। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही रहती है, हालांकि बोरवेल काफी गहरा है और यहीं पर बच्ची फंसी हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बच्ची को दी जा रही है, बात कर पा रही है बच्ची, वक्त हालांकि काफी ज्यादा हो गया, 19 घंटे का वक्त हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, वक्त काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन ये बताएं कि अभी फिलहाल काम कहां तक पहुंचा, क्योंकि जो वर्टिकल डिगिंग करनी है उसको तुरंत और जल्द से जल्द करना पड़ेगा वहां पर। बिल्कुल, देखिए, जब से बच्ची गिरी है तब से लगातार वहां पर जो जिला अधिकारी हैं और पुलिस बल है वो वहां पर तैनात है और खुदाई का काम चल रहा है। अब तक 32 फीट से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है और साथ ही 13 की भी मदद ली जा रही है, लेकिन जगह जो है वो काफी सकरा है और ये मोहल्ला है, घर के अंदर की ये घटना है, इसलिए थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लड़की अभी बिल्कुल सुरक्षित है। जैसा कि वहां पर मौजूद डॉक्टर और जो लोग मौजूद हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्दी ही, अब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा जब लड़की को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हालांकि CCTV और तमाम चीजों से लड़की पर नजर रखी जा रही है और अधिकारी जो है लगातार तैनात है। 50 अतिरिक्त वहां पर मजदूर बुलाए गए हैं क्योंकि जो JCB से खुदाई होना था वो काम अब रुक गया है, मजदूरों की खुदाई से लड़की को निकाला जाएगा। बिल्कुल, SDRF की टीम, सेना की टीम वहां पर लगातार मौजूद है, लेकिन चंद्रमोहन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी फिलहाल राहत बचाव कर्मियों के सामने? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहले JCB से खुदाई का काम चल रहा था वो अभी रोक दिया गया है क्योंकि यह पूरा घना बस्ती है और साथ ही घर के अंदर की ये घटना है, तो वहां पर JCB अब नीचे पहुंचने में थोड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए अभी मजदूरों को बुलाया गया है और मजदूरों से धीरे धीरे खुदाई का काम चलेगा, क्योंकि अगर JCB से खुदाई का काम चलेगा तो हो सकता है कि आसपास का जो मकान है उस पर असर पड़ेगा, उनके गिरने का डर रहेगा, हो सकता है कि वहां पर कोई ईंट पत्थर गिर जाए की वजह से लड़की पर खतरा दोबारा बढ़ जाएगा, इसलिए अभी धीरे धीरे खुदाई का काम चल रहा है। हालांकि ये जरूर दावा किया जा रहा है, जो सेना के जवान हैं और जो SDRF के जवान हैं वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर लड़की को सुरक्षित अभी निकाल लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अभी खुदाई को लेकर है कि अगर मजदूरों को छोड़कर JCB से खुदाई होती है तो लड़की पर खतरा मंडराने लगेगा, इसलिए JCB से खुदाई का काम रोका गया है और मजदूर खुदाई में लगे हुए हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब वर्टिकल खुदाई होती है, अक्सर देखा गया इस तरह के मामलों में चंद्रमोहन, की जब वर्टिकल खुदाई होती है वहां पर एक्चुअल जगह का पहले पता लगाया जाता है और फिर उसके बाद जो बगल में जो दूसरी खुदाई होती है वो थोड़ी ज्यादा नीचे तक होती है और ऐसे में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जब आप हॉरिजॉन्टली खुदाई करेंगे वहां पर कहीं बच्ची को खतरा ना हो, तो इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इसी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एक्स्ट्रा मजदूर बुलाए गए हैं और CCTV कैमरा भी लगाया गया है लड़की पर नजर रखने के लिए कि क्या लड़की अब नीचे तो नहीं जा रही है, क्योंकि जो खुदाई का काम चल रहा था वो लगभग लड़की के पास तक पहुंचने वाला है, लेकिन JCB से जो खुदाई हो रहा है उससे लड़की को परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टली खुदाई हो रहा था उसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी, तो इसलिए लड़की जहां पर अटकी हुई है 32 फीट से ज्यादा
के गहराई पर, तो वहां तक खुदाई हो चुकी है, लेकिन 42 फीट से नीचे जाना है क्योंकि तकरीबन 42 फीट पर लड़की जो है वो रुकी हुई है, तो उसके नीचे खुदाई करना है और वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से और तमाम जो वहां पर राहत बचाव कार्य के लोग पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा जब लड़की के नीचे तक खुदाई पहुंच जाएगा और उसके बाद लड़की को वहां से निकाला जाएगा। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए चंद्रमोहन, हम लौटेंगे आपके पास। माँ भी लगातार अपनी लाडली से बात करने की कोशिश कर रही हैं। रोते बिलखते परिजनों की बस यही दुआ है कि चाहे जैसे भी हो उनकी लाडली बच जाए। बताया जा रहा है कि सन्नो 42 फीट नीचे बोरवेल में फंसी है। फिलहाल मासूम को ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि सांस लेने में उसे कोई परेशानी न हो। साथ ही डॉक्टरों की टीम सीसीटीवी के सहारे पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की स्थिति फिलहाल ठीक है। चलिए सीधा रुख करते हैं मुंगेर का, जहां से हमारे संवाददाता अरुण लगातार सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति है, कितना वक्त और लगेगा सनु तक पहुंचने में, बताइए। जी सुकन्या, बता दूं कि अभी जो वक्त है वो वक्त लगेगा, वक्त का समय लगभग 2 घंटे बताया जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा भी लग सकता है। यानी वक्त की कहें तो अभी कहीं ना कहीं समय लग सकता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो डॉक्टर हैं सन्नू के स्वास्थ्य पे उनकी नज़र बनी हुई, उनसे ही बात करते हैं। ये बताया जाए अभी क्या स्थिति है। अभी बच्ची को कुछ देर पहले देखे हैं कि बच्ची हाथ हिला रही थी और रिस्पॉन्स भी कर रही थी। बच्ची को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है और वो पाइपलाइन के द्वारा दिया जा रहा है, जंबो सिलेंडर से पाइपलाइन उसके पास पहुंचाया गया है और सफिशेंट अमाउंट का ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्ची की हालत स्टेबल है। बच्ची जो अभी क्या मोशन करती है, कुछ लिक्विड दिया गया, कुछ खाने नहीं, फूड दिया गया नहीं, वो बहुत कंजेस्टेड है, बहुत जगह तंग है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत छोटा जगह है। देखने में लगता है क्या बच्ची को कोई छूट भी लगी नहीं, पर बच्ची के देखने से ऐसा लगता है कि बच्ची के सर पर थोड़ा मिट्टी दिखाई दे रहा है, बट बच्ची को सांस ले रही है प्रॉपरली, हाथ हिला रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन जो समय बीतता जाता है, समय बीतने के बाद अभी तक तो स्टेबल दिख रही है, आने वाला समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि उसे बचाया जाए। और सदर अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सिविल सर्जन और डिप्टी सर्जन द्वारा। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग उसे बचा पाएंगे। जो समय की बात कहें तो कितने समय तक के अंदर उस बच्ची को निकाला जाए ताकि वो बच्ची का स्वास्थ्य ठीक हो और बच्ची सही सलामत हो। हमको लगता है कि अगर 3 घंटे के अंदर निकाल लेते हैं तो हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेंगे 3 घंटे के अंदर। तो देखा आपने, डॉक्टर भी अब मानने लगे हैं कि 3 घंटा, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, 3 घंटा के अंदर उस बच्ची को बचाने की कवायद तेज की जाए ताकि वो सही सलामत निकले। विजुअल थोड़ा सा आप, मैं सहयोगी से चाहूँगा जो गड्ढे का है उसका विजुअल दिखाया जाए कि ताकि पता चल सके कि गड्ढा हाँ, जैसे गड्ढा है, गड्ढा लगभग 40 फीट के लगभग हो चुका है और 40 फीट के बाद भी अभी बचाव दल लगे हुए हैं ताकि 45 फीट के गड्ढे का जो मानक है, जो बच्ची तक पहुंचने का जो मानक है, वहां तक पहुंचा जा सके और उसके बाद एक टनल की खुदाई होनी बाकी है। तो लगता है कि जैसे 2 से 3 घंटे इसमें और समय लग, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन कम का कोई चांस नहीं है। जो बचाव दल है सब स्टेट लेवल के हैं, जो सेना के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं, स्थानीय लोगों की भी काफ़ी सहभागिता इसमें देखने को मिली है। जो यहाँ के DIG हैं, जो SDO हैं, जो SP हैं, सभी लोग जो बचाव दल है, जो बचाव का काम है उसके मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं कि किसी न किसी चाहे किसी वजह से हुई, चाहे उस बच्ची को, उस छोटी बच्ची को बचाया जा सके। जी बिल्कुल अरुण, अगर देखिए इस पूरे खबर पर गौर करें तो लगातार यहाँ पर जो बचाव कर्मी हैं बता रहे हैं कि 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो वो अवधि बता रहे हैं वो नहीं घटता हुआ दिख रहा है। तो क्या बचाव कार्य में कुछ बाधा आ रही है या ठीक से बचाव कर्मी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, क्या वजह है? अब भी 2 घंटे की बात कही जा रही है, 2 घंटे पहले भी यही कहा जा रहा था कि 2 घंटे में बच्ची तक पहुँच जाया जाएगा, लेकिन स्थिति में कुछ तब्दीली नहीं है, क्या इसके पीछे क्या वजह दिख रही है आपको? G
जी मैं बता दूं कि स्थिति जो है अब मैनुअल काम होना है, अब हाथों से मिट्टी को खोदना है और एक छोटा सा गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में एक आदमी जो बैठने लायक भी जगह नहीं है वहाँ से मिट्टी को खोद खोद के निकालने की काम चालू है और कुछ लोग जो है मिट्टी को निकाल के फेंकने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम का जो धीमा गति है इसी वजह से है कि अब 40 फीट से मिट्टी निकलना है, पहले 2 फीट से 3 फीट से निकाला गया, फिर मशीन लगाई गई जो 30 फीट तक मशीन गई, लेकिन अब 30 फीट के बाद मशीन भी अपना काम नहीं कि उसके जिसके वजह से अब लोगों को जो है बचाव दल है उनको हाथों से कुदाल से मिट्टी को खोदना है उसको निकालना है। तो इसी में जो समय है इसी में लगने वाला है और साथ में बचाव दल जो नीचे गए हैं वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है, तो सबसे पहले जो बचाव दल नीचे गए हैं उनको भी उनकी भी स्वास्थ्य ठीक हो, उनको भी सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए वो बचाव दल को ऑक्सीजन देने में हवा देने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अरुण डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि अगर 3 घंटे में बच्ची तक किसी तरह पहुंच जाया जाए तो स्थिति ठीक रहेगी, वरना आगे कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या राहत और बचाव कार्य जो वहां पर चल रहा है, खुदाई का जो काम चल रहा है उसमें तेजी लाई गई है, क्योंकि सुबह से ही हम इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी सन्नों तक पहुँचा जाए और उसे बाहर निकाला जाए। कि मैं बिल्कुल सहयोगी से चाहूँगा कि उन्हें दिखाएं कि कैसे जो बचाव दल के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगे हैं मिट्टी को निकालने में, लेकिन सबसे 40 फीट से मिट्टी निकालना बहुत आसान नहीं है, उसमें समय लगता है। नीचे से खोदने के बाद एक बाल्टी है, बाल्टी में मिट्टी को डाला जाता है, उसके बाद उसको खींचा जाता है, तब स्थानीय लोग उसको निकाल के फेंकते हैं। तो ऐसे में समय का लगना लाजमी है और ये समय लगेगा, ये 2 घंटे से भी ज़्यादा ये समय लग सकता है, लेकिन जो भी लोग लगे हैं एक ही दुआ है, उनके मुंह से एक ही दुआ निकलती है कि ये सन्नों जो है अब तक जीवन के जंग को, अपने जीवन के जंग को वो जीत जाए और वो सकुशल उसे निकाला जा सके। यहाँ पे जो भी लोग हैं बिल्कुल अरुण, लगातार तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन सब के बीच अगर सन्नू की मां की हम बात करें तो वो लगातार विचलित नजर आ रही हैं। उनका भी जो है अब पेशेंस लग रहा है कहीं ना कहीं अब जवाब दे रहा है, परेशानी की लकीरें जो हैं उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। पेरेंट्स की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि सबसे मुश्किल घड़ी जो है वो पेरेंट्स के लिए भी है। तो सन्नों के लिए दुआओं का दौर जारी है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव देवघर में हैं, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। इसी बीच जैसे ही उन्हें मुंगेर मामले की जानकारी मिली, वैसे ही उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सन्नों के लिए दुआ मांगी। न्यूज 18 से बातचीत में तेज प्रताप ने बताया कि वे दुआ करते हैं कि सन्नों जल्द बाहर आए। इस वक्त हमारे साथ तेज प्रताप हैं, उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है, बाबा का जलार्पण भी कर लिया है और काफ़ी कहा कि बड़ा अच्छा लगा यहाँ करके। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि मुंगेर में जो बच्ची बोरवेल में गिर गई है उसके लिए इन्होंने कामना क्या किया। बच्ची जल्द से जल्द बचे, 4 साल 5 साल गया और इसमें सरकार की गलती, क्योंकि सरकार की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की, जिसका कारण है कि यह हादसा होते रहता है, केवल मुंगेर ही नहीं पूरे बिहार में, आप यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का। तो आप मांगे बाबा से अपने, तो हम बाबा से कामना करते हैं कि बच्ची बचे और हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि बचे बच्ची। बाबा से ध्यान लगाएं, अपने और बिहार के लिए सुख समृद्ध भाईचारा के साथ, मेल मिलाप के साथ, एकजुटता के साथ, अपना सावन का जो महीना चल रहा है इस पर्व को सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर के इस पर्व को मनाते हैं, हम मनाने का काम करते हैं। दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या आप मुंगेर जाना चाहेंगे अपनी यात्रा के दौरान बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि रास्ते में ही पड़ेगा लौटते समय। हाँ, अगर रास्ते में मेरा रूट देखते हैं किधर से, अगर उधर से बना है तो जाएंगे। तो लगातार दुआओं का दौर चल रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान भी हमने सुनाया, वो बाबा नगरी देवघर पहुंचे हैं, बाबा को जलार्पण के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने भी न्यूज 18 से साझा किया कि उन्होंने भी बच्चे की सलामती के लिए दुआ मांगी है, साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रास्ते में संभावना होगी तो वो पीड़ित परिजनों से मिलने भी पहुंचेंगे और वहां जाकर भी हालचाल जानेंगे। देखना होगा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, लेकिन बता दें कि हर जगह बच्चे की सलामती के लिए, सन्नों की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। कई जगह
हवन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है। और दूसरी तस्वीर देखिए जहां राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और तेजी से खुदाई का काम चल रहा है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द जो यहां पर राहत बचाव कर्मी हैं सन्नू तक पहुंचे। लगातार जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है, कहा जा रहा है कि अभी 2 से 3 घंटे का समय और लग सकता है। लगातार पाइपलाइन के जरिए बच्ची तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। डॉक्टरों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की, डॉक्टरों का भी यही कहना है कि फिलहाल जो स्थिति बच्ची की है वो स्टेबल है, स्थिर है, लेकिन अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो बच्ची की भी स्थिति में कुछ तब्दीली देखी जा सकती है। इसलिए अब राहत बचाव कर्मियों को थोड़ी तेज़ी दिखानी होगी और जल्द से जल्द बच्ची तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। और इन सब के बीच अगर बच्ची के परिजनों की बात करें तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो भी हैरान परेशान हैं, चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बच्ची है, सन्नू है, वो उन तक पहुंचे, उसे निकाला जाए सुरक्षित, देखने की लगातार वो भी दुआएं कर रहे हैं। तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि राहत बचाव कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए कि दुआओं का दौर जारी है। तो राहत भरी बात यह है कि बच्ची की हालत ठीक है और जो राहत बचाव कार्य है वो तेज गति से चल रहा है। हमारे संवाददाता ने ताजा अपडेट दिया है कि 2 से 3 घंटे में उम्मीद जताई जा रही है कि राहत बचाव कर्मी बच्ची तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर बच्ची तक जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद उम्मीदें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि बोरवेल में बच्ची गिर गई है और उसी को निकालने के लिए ये कवायद चल रहा है। 42 फीट नीचे गहरे गड्ढे में बच्ची गिरी है और उसी को निकालने के लिए पैरेलल एक गड्ढा बनाया जा रहा है। 40 फीट तक खुदाई हो गई है, 2-3 फीट की खुदाई और करनी है और उसके बाद फिर अंदर एक सुरंग बनाकर जहां बच्ची है वहां पहुंचने की कोशिश की जाएगी और बच्ची को वहां से सुरक्षित निकालने की कवायद की जाएगी। डॉक्टर एके जायसवाल घटनास्थल से फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके जायसवाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। लगातार आपकी मुहिम के साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड भी जुड़ा हुआ है, तमाम खबरें हम दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है बच्ची की स्थिति को देखकर क्या कहेंगे और किस तरीके से आप उम्मीद जता रहे हैं कि कब तक वहां पर बच्ची तक लोग पहुंच जाएंगे, बताइए। देखिए ऐसा है ना, मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि इतने डीप 42 फीट जब 42 फीट नीचे जब बच्चा कोई गिरता है रहता है तो उसमें जो है बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है। पहला है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम रहता है तो बच्चे का दम घुटने का काफी चांसेस रहता है, जिससे बच्चे की मौत होने की भी संभावना हो सकती थी। लेकिन अब चूंकि सरकार द्वारा प्रयास जारी है तो बहुत उम्मीद है कि बच्चा सुरक्षित निकल जाएगा। दूसरा है कि बच्चे को ना फिर वहाँ पे यदि वो नीचे है नीचे में तो यदि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन के अलावा प्रॉपर पीने का पानी, खाने की व्यवस्था यदि छोटे बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसके कारण बच्चे में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, उससे भी बच्चे का खतरा शरीर में जब एक प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज नहीं रहता तो ब्रेन को खास करके ग्लूकोज नहीं पहुँच पाता तो बच्चा बेहोश होता है।